hello beta welcome to physics classes beta last time we have discussed newton's first law newton's second law newton's third law in brief detail today beta we will focus on law of conservation of momentum and resolution of forces एंड कंकरेंट फोर्सेस तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपको ये कॉन्सेप्ट हमें क्या नया एप्लीकेशन देगा तो अभी चेक करते हैं इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स टोटल इनिशियल मोमेंटम Of a system in absence of any external force, total initial momentum of a system is always equal to total final momentum of a system. तो बेटा इन अपसेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स तो अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम सो दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट मीन्स मोमेंटम कभी भी चेंज अगर होगा तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है तो मोमेंटम अगर कभी भी चेंज होगा तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है इट मीन्स विदाउट एक्सटर्नल फोर्स देर इज नो चेंज इन मोमेंटम विदाउट एक्सटर्नल फोर्स देर इज़ नो चेंज इन मोमेंटम सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो वट डज इट मीन इट मीन मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट तो बेटा जब भी मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा तो बेटा उस केस में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होगी और अगर आप इसको रिवर्स में बोलोगे तो इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम विल रिमेन सेम मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट मोमेंटम आपका कांस्टेंट होगा तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बेटा ज़ीरो हो जाएगी नाउ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो नेक्स्ट अब बेटा इसके बेस पर इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेस पर हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन हैं रियल लाइफ में तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बेस पे आपको मालूम होगा कि दैट इज रिक्वायलिंग ऑफ गन नाइन्थ क्लास में कॉन्सेप्ट था रिक्वायरिंग ऑफ गन तो जैसे ही बुलेट फायर होगी गन से तो गन पीछे आएगी रिक्वायल करेगी गन तो बेटा उस केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वहां पर लगाएंगे बुलेट का मोमेंटम कहाँ होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और गन का मोमेंटम कहाँ होगा इन रिवर्स डायरेक्शन तो बेटा यहाँ मोमेंटम किसका होगा गन का मोमेंटम होगा और यहाँ मोमेंटम किस होगा बुलेट का मोमेंटम होगा तो बेटा ये दोनों मोमेंटम कैसे हैं इक्वल एंड अपोजिट तो बेटा ये दोनों मोमेंटम कैसे हैं इक्वल एंड अपोजिट अगर गन का मास कैपिटल एम है और गन की वेलोसिटी है वी कैपिटल वी और यहाँ बुलेट का मास अगर स्मॉल एम है और बुलेट की जो वेलोसिटी है वो वी है तो बेटा आप चेक करो अगर ये दोनों मोमेंटम आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं अगर ये दोनों मोमेंटम आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो बेटा ये डायरेक्शन में अपोजिट है तो बेटा ये डायरेक्शन में अपोजिट है इट मीन्स एम बी वी बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन बेटा ये दोनों मोमेंटम अगर मैग्नीट्यूड में, में इक्वल हैं तो वेक्टर फॉर्म में इन दोनों की डायरेक्शन कैसी आएगी अपोजिट आएगी और अगर इन दोनों को आप सम करोगे इन दोनों को अगर आप इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट तो आंसर आपका जीरो आएगा तो बेटा आंसर आपका जीरो आएगा तो बेटा इस टाइप से इस टाइप से हम यहाँ पर मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ बुलेट को अगर ऐड करेंगे तो टोटल आंसर हमारा जीरो आएगा इट मीन्स बिफोर फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ज़ीरो तो बेटा यहाँ पर आप चेक करो सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट आपके पास हैं दैट इज एक तो गन है और एक बुलेट है और दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या है ज़ीरो बिफोर फायरिंग ऑफ बुलेट इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड आफ्टर फायरिंग ऑफ बुलेट फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ अगेन इक्वल टू ज़ीरो आप चेक कर सकते हो ये मोमेंटम ऑफ गन है मोमेंटम बुलेट है दोनों को ऐड करोगे सिस्टम का मोमेंटम जीरो आ जाएगा इट मींस इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इन अपस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो बेटा इस टाइप से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रियल लाइफ की एक्टिविटीज में रियल लाइफ की एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं देन आफ्टर इफ वी हैव

तो बेटा अगर एयर में वो एक्सप्लोर्ड हो रहा है तो अगर हमें गिवन है कि उसका एक पीस उसका एक फ्रेगमेंट अगर एक्स एक्सेस के अलॉन्ग गया है और एक फ्रेगमेंट आपका अलॉन्ग वाई गया है तो आप चेक कर सकते हो अगर एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन में इस टाइप से थ्री पार्ट्स थ्री फ्रेगमेंट बॉम्ब के एयर में आपके सेपरेट हुए हैं तो अगर बॉम्ब आपका एयर में एक्सप्लोड हुआ है और बॉम्ब के थ्री पार्ट्स आपके सेपरेट हुए एयर में तो अगर एक पार्ट का मास स्मॉल एम है और उसकी वेलोसिटी किसके अलोंग है अलोंग एक्सेस दैट इज वी वेलोसिटी अब दूसरा पार्ट जो है आपका उसका भी मास अगर उसका भी मास अगर एम है वो अगर वाई एक्सेस के अलोंग जा रहा है विथ सेम वेलोसिटी वी तो बेटा जो तीसरा पार्ट है बेटा जो तीसरा पार्ट है उसका भी अगर मास एम है तो बेटा इस तीसरे पार्ट की वेलोसिटी कैसे निकालोगे तो अब बॉम्ब में से थ्री फ्रेगमेंट्स आपके एयर में रिलीज हुए हैं यहां पर बॉम्ब आपका थ्री फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है यहां पर बॉम्ब थ्री फ्रेगमेंट्स में एयर में सेपरेट हुआ है तो आप चेक करो एक फ्रेगमेंट आपका कहाँ जा रहा है अलोंग एक्स एक्सेक्सेज एक फ्रेगमेंट कहाँ जा रहा है अलोंग वाई और एक फ्रेगमेंट आपका स्मॉल एम मास कैरी कर रहा है जो फर्स्ट फ्रेगमेंट का मास है वही सेम सेकंड का वही सेम थर्ड का है इसका मीनिंग बॉम आपका थ्री आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है यहाँ पर एयर में आफ्टर एक्सप्लोजन तो अब चेक करते हैं कि अब तीसरा जो फ्रेगमेंट है जिसका मास आइडेंटिकल है वही सेम मास है जो फर्स्ट और सेकंड फ्रेगमेंट का है इसकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सप्लोजन में जब कोई बॉम्ब आपका एक्सप्लोर्ड होगा उसका मेन रीज़न क्या होगा दैट इज इंटरनल फोर्सेज तो बेटा बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन होगा उसमें जितने भी फोर्स काम करेंगे वो सारे बॉम्ब के अंदर होंगे और बेटा यहाँ पर अगर सारे के सारे फोर्स आपके बॉम्ब के अंदर होंगे तो उनका नेम क्या होगा दीज आर नॉन एज इंटरनल फोर्सेज तो जब भी सिस्टम के अंदर फोर्सेज डेवलप होंगे तो बेटा उनका नेम क्या होगा दीज आर इंटरनल फोर्सेज तो बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन हुआ है उसका मेन रीजन क्या? क्या है मेन कॉज क्या है दैट इज इंटरनल फोर्स तो बेटा बॉम्ब के ऊपर यहां पर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा तो यहां पर बॉम्ब के ऊपर किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं मिलेगा इसका मीनिंग बॉम्ब के अंदर जो भी रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन में कौन से फोर्स काम कर रहे हैं उस रिएक्शन में इंटरनल फोर्सेज काम कर रहे हैं और बेटा बॉम के अंदर जितने भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं करेंगे तो मोमेंटम हमेशा चेंज किससे होता है एक्सटर्नल फोर्स से तो अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉम्ब के ऊपर है तो मोमेंटम चेंज होगा अदरवाइज इंटरनल फोर्सेस की वजह से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्स के अंदर आपकी बहुत सारी बॉल हैं एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी बॉल है और बॉक्स आपका टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो बेटा जो बॉल है वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है बॉक्स के अंदर तो बेटा अगर एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल ऐसे बॉल है और बॉल सारी आपस में कॉन्टेक्ट में है तो अब चेक करो ये अगर बॉल्स कांटेक्ट में होंगी तो ये वाली बॉल इस पे लगाएगी फोर्स ये वाली इस पे लगाएगी ये वाली इस पे लगाएगी ये वाली इस पे लगाएगी ऐसे ये वाली इस पे लगाएगी ये वाली इस पे लगाएगी ऐसे ही ये वाली इस पे लगाएगी ये वाली इस पे लगाएगी तो बेटा ये सारे के सारे फोर्सेज इस बॉक्स के अंदर हैं ये सारे के सारे फोर्सेज इस सिस्टम के अंदर हैं तो बेटा जो भी जो भी फोर्स आपका सिस्टम के अंदर काउंट होगा बेटा वो फोर्स आपका इंटरनल फोर्स होगा वो फोर्स आपका इंटरनल फोर्स होगा आप चेक करो कि यहां पर ये सारे इंटरनल फोर्सेस आपस में पेयर में कैंसल हो जाएंगे तो बेटा अगर ये आपस में पेयर में कैंसल हो जाएंगे तो सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस क्या आएगा दैट इज इंटरनल फोर्सेस क्या आएगा दैट इज ज़ीरो तो अगर बेटा इन सारे इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो आएगा तो इसका मीनिंग ये इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं करेंगे यहाँ पर सिस्टम का मोमेंटम सेम रहेगा तो बेटा उसी टाइप से अगर बॉम के अंदर से इस टाइप से फ्रेगमेंट आपके निकलेंगे एयर में तो बेटा यहाँ पर फ्रेगमेंट का निकलने का कॉज क्या है दैट इज इंटरनल फोर्सेज तो अब हम यहाँ लगाएंगे तो अब हम यहाँ लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम बेटा इनिशियली मोमेंटम क्या था एक्सप्लोजन से पहले बॉम्ब आपका रेस्ट पे था एक्सप्लोजन से पहले बॉम आपका रेस्ट पे था तो मोमेंटम की वैल्यू क्या थी जीरो थी तो बेटा फाइनल मोमेंटम भी कैसा आना चाहिए जीरो ही आना चाहिए अब चेक करते हैं अगर यहां मोमेंटम P1 है यहाँ मोमेंटम P2 है तो चेक करो P1 P2 में कितना एंगल है दैट इज 90 डिग्री हमें गिवन है कि एक फ्रेगमेंट अगर एक्स एक्सिस गया है तो दूसरा फ्रेगमेंट आपका वाई एक्सिस गया है लेकिन तीसरे फ्रेगमेंट की हमें डायरेक्शन और तीसरे फ्रेगमेंट की हमें वेलोसिटी

चेक करते हैं क्या आंसर आएगा P1 वन प्लस पी तो अब हमें यह मालूम चल गया कि P1 वन प्लस पी इन दोनों मोमेंटम का सम P1 और P2 का सम P1 और P2 का एडिशन P1 और P2 के सम का मैग्नीट्यूड P1 और P2 के सम का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट तो आप चेक कर लो कि अगर P1 और P2 का मोमेंटम ऐड होने के बाद बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है किसके थर्ड फ्रेगमेंट के मोमेंटम के इट मींस P1 P2 का सम P1 P2 का रिजल्टेंट बेटा किसके इक्वल एंड अपोजिट है इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू पी थ्री तो पी थ्री आपका इक्वल एंड अपोजिट है पी वन प्लस पी टू के इसका मीनिंग पी वन प्लस पी टू को अगर आप वेक्टर फॉर्म से ऐड करोगे P1 और P2 अगर आप वेक्टर फॉर्म से ऐड करोगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा तो बेटा वो मैग्नीट्यूड आपका थ्री मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा तो अब चेक करते हैं P1 और P2 को हमने add किया। अब अब हम इसका किसके रखेंगे? तो करते हैं कि यहां पर ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो अब चेक करो पी वन और पी टू के बीच में एंगल नाइनटी है तो बेटा यहां क्या आएगा अंडर रूट हो जाएगा equal to P3 आ जाएगा आ अब यहां पर चेक करो हम क्या करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं या फिर अगर आपको डायरेक्ट निकालना है वेलोसिटी का आंसर तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तो बेटा पी थ्री की वैल्यू क्या होगी मास इंटू टी ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट दैट इज वी थ्री वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट दैट इज वी थ्री तो हमारे पास मास है हमारे पास बेटा हमारे पास मास है हमें थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो थर्ड फ्रेगमेंट का मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा मास इंटू वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी तो एम वी थ्री किसके इक्वल आएगा इट इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वेयर ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट फ्रेगमेंट बेटा फर्स्ट फ्रेगमेंट का मोमेंटम क्या बनेगा एम वी और इसका स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकेंड फ्रेगमेंट दैट इज एम वी और इसका स्क्वेयर तो एम वी थ्री किसके इक्वल आएगा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आप चेक करो बेटा एम वी थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम वी अब एम से एम कैंसिल नाउ वी थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट वी तो बेटा आपके पास आंसर आ चुका है आपके पास आंसर आ चुका है थर्ड फ्रेगमेंट जो आपका है जो थर्ड फ्रेगमेंट है थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है दैट इज अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ First and Second Fragment तो बेटा ये वेलोसिटी आपकी फर्स्ट और सेकंड फ्रेगमेंट के लिए सेम थी और v3 जो आपकी आई है ये थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी आई है तो बेटा वेलोसिटी वेलोसिटी v v और थर्ड वी थ्री ना वी थ्री इक्वल टू अंडर तो बेटा इस टाइप से अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि जो आपका थर्ड फ्रेगमेंट है वो किस वेलोसिटी से बॉम्ब के अंदर से निकलेगा किस वेलोसिटी से वो बॉम्ब से सेपरेट होगा तो वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया अब बेटा इस थर्ड फ्रेगमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी बेटा डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे पहले आप ये चेक करके बताओ कि फर्स्ट और सेकेंड फ्रेगमेंट का मोमेंटम कैसा है इक्वल है या अनइक्वल है अगर दोनों का मोमेंटम इक्वल है तो एक का मोमेंटम किसके अलोंग है एक्स एक्सेस के अलोंग दूसरा भी एक्स एक्सिस के अलोंग सॉरी दूसरा आपका वाई एक्सेज के अलोंग है एक आपका एक्स एक्स के अला दूसरा वाई एक्स के अलॉन्ग ये पी वन और ये P2 तो बेटा इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा बिल्कुल मिडल में आएगा और रिजल्टेंट को कैंसिल करने वाला मोमेंटम बिल्कुल उसके अपोजिट आएगा दैट इज P3 तो आप चेक करो P3 की डायरेक्शन कैसी होगी P3 बिल्कुल PR के इक्वल एंड अपोजिट होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा इसका मीनिंग जो P3 है वो आपका नेगेटिव Y एक्सेस से नेगेटिव Y एक्सेस से कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री नेगेटिव X एक्सेस से कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री तो हमें अब P3 की डायरेक्शन भी मालूम चल चुकी है हमें P3 की डायरेक्शन भी मालूम चल चुकी है तो डायरेक्शन आपके सामने है तो बेटा पी थ्री बिल्कुल पी आर के इक्वल एंड अपोजिट होगा बिल्कुल पी आर के इक्वल एंड अपोजिट होगा तो बेटा इस टाइप से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को नोमेरिकल फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और इसको हम रियल लाइफ की एक्टिविटीज में भी इजीली फील कर सकते हैं इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं नेक्स्ट है बेटा रिजोलूशन ऑफ फोर्सिस रिजोल्यूशन ऑफ फोस हम फोर्स को डिवाइड कैसे करते हैं अलग अलग कम्पोनेंट्स में हम फोर्स को ब्रेक कैसे करते हैं रेक्टेंगुलर कम्पोनेंट्स में हम फोर्सिस को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कैसे करते हैं दैट इज़ रेजोलूशन ऑफ फोर्सेज तो बेटा इसमें आपको फर्स्ट एप्लीकेशन मिलेगी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम बेटा हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक हॉर्स कार्ट को पुल करेगा तो यहाँ पर फोर्सेस को हमें डिवाइड करके फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करके फोर्सेस को हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक करके ये मालूम करना है कि सिस्टम आपका कहाँ मूव करेगा सिस्टम का मीनिंग हॉर्स प्लस कार्ट ये दोनों मिलके कहाँ मूव करेंगे ये दोनों मिलके कहाँ मूव करेंगे दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे या ये दोनों रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे या ये दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ये अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड जाएंगे बेटा ये हमें मालूम करना है तो अब चेक करते हैं हमारे पास अगर ये कार्ड है ये कनेक्टिंग रोप है जो हॉर्स को और कार्ट को कनेक्ट करेगी यहां हमारे पास हॉर्स है तो बेटा आप कंप्लीट पिक्चर अगर हॉर्स की बनाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा तो हम सिंपली हम सिंपली यहां पर फुट ऑफ हॉर्स को शो कर सकते हैं कंप्लीट पिक्चर अगर आप बनाओगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा बेटा हॉर्स की कंप्लीट पिक्चर अगर आप बनाओगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे उससे बचने के लिए हम सिंपली हॉर्स का जो फुट है उसका इंप्रेशन चेक करेंगे ग्राउंड पर तो अब चेक करते हैं अब चेक करते हैं बेटा ये कार्ट है ये कनेक्टिंग रोप है इस कनेक्टिंग रॉप में बेटा स्ट्रेचिंग फोर्सेस आपके डेवलप होंगे T1 T2 और बेटा यहाँ पर जो व्हील है कार्ट के ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बनेगा इन अपोजिट डायरेक्शन तो कार्ट का वेट कहाँ होगा नीचे होगा और ग्राउंड से इसको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर अब बेटा यहां चेक करो यहां चेक करो आप हॉर्स का वेट कहां होगा डाउनवर्ड होगा ठीक है हॉर्स का वेट कहां होगा डाउनवर्ड होगा अब चेक करते हैं अगर आप T1 T2 की हेल्प अगर लोगे अगर आप T1 T2 की हेल्प लोगे मोशन को डिस्कस करने के लिए चेक करने के लिए कि हॉर्स क्या कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल कर पाएगा तो बेटा T1 T2 से आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि मोशन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर आप कहते हो कि T1 मोर देन T2 अगर T1 वन मोर देन टी है तो बेटा उस केस में क्या होगा अगर T1 वन मोर देन टी है तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि कार्ट आपकी हॉर्स के आगे आ जाएगी तो अगर T1 वन मोर देन टी है तो T1 अगर ज्यादा है तो कार्ट आपकी हॉर्स के आगे आ जाएगी क्योंकि कार्ट को पुल करने वाली ये कनेक्टिंग रॉप है तो अगर इसमें T1 ज्यादा होगा T2 कम होगा तो उस केस में कार्ट आपकी हॉर्स के आगे आ जाएगी इस कमिंग सिस्टम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा दूसरा केस अगर आप कहते हो कि टी More than T1. T2 more than T1. उस केस में बेटा क्या हो? कार्ट का फोर्स ज्यादा है हॉर्स के ऊपर T2 का मीनिंग फोर्स अप्लाइड बाय कार्ट ऑन हॉर्स अब बेटा T2 टू मोर देन टी है तो उस केस में हॉर्स आपका कार्ट के ऊपर आ जाएगा और हॉर्स आपका ड्राइविंग सीट पे आ जाएगा यहाँ जो ड्राइवर बैठा है कार्ट कार्ट के ऊपर यहाँ पर ड्राइवर को यहाँ से हटाकर हॉर्स यहाँ ड्राइविंग सीट पे आ जाएगा तो बेटा उस केस में भी जो सिस्टम है उसका फॉरवर्ड मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो बेटा अब क्या करें अब कैसे मालूम करें कि ये कार्ट और हॉर्स दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि अगर आप एक आइडेंटिकल रोल अगर आप एक आइडेंटिकल रॉप लेते हो अगर आप एक आइडेंटिकल स्ट्रिंग लेते हो तो बेटा आइडेंटिकल स्ट्रिंग के ऊपर अगर दो फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे अगर दो फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो बेटा उस केस में ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बेटा आपने एक पॉसिबिलिटी तो ये ले ली टी वन मोर देन टी टू एक पॉसिबिलिटी आपने ये ले ली टी टू मोर देन टी वन इन दोनों केस में मोशन डिस्कस नहीं हो पा रहा तो अब एक पॉसिबिलिटी क्या बची टी वन इक्वल टू टी टू अब चेक करो अगर ये दोनों फोर्सेज इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर है ये दोनों एक ही रोप के ऊपर हैं ये दोनों एक ही स्ट्रिंग के ऊपर हैं तो बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बेटा उस केस में क्या होगा उस केस में यहाँ पर अब कार्ट को पुल करने वाला फोर्स नहीं बचेगा कार्ट को पुल करने वाला फोर्स यहाँ नहीं बचेगा तो अब कैसे मालूम करें कि हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है अब कैसे मालूम करें कि हॉर्स कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा तो बेटा अब अगर मैं सिंपली T1 T2 को डिस्कशन में रखूंगा इन मोशन ऑफ इन मोशन ऑफ कार्ट बाय पुलिंग फोर्स ऑफ हॉर्स तो बेटा मैं यहां पर सिस्टम का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इट मींस टी वन टी टू आर नॉट सफिशियंट फोर्सेज टू एक्सप्लेन द फॉरवर्ड मोशन ऑफ सिस्टम टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ सिस्टम तो अगर टी वन टी टू आपकी सफिशेंट नहीं है तो हमें यहाँ पर और भी फोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ेगी तो आप चेक करते हैं हेल्प कैसे लेंगे आप चेक करते हैं बेटा कैसे हेल्प लेंगे कैसे उनको मैंशन करेंगे तो सबसे पहले मैंने टी वन टी टू के अलावा किस को मैंशन किया यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अब चेक करते हैं कि अगर जो हॉर्स का फुट है ये अगर ग्राउंड को पीछे ड्रैग करेगा अगर ये ग्राउंड को स्लंट फॉर्म में अगर ये ग्राउंड को स्लंट फॉर्म में पीछे ड्रैग करेगा अगर ये ग्राउंड को स्लंट फॉर्म में पीछे की तरफ पुश करेगा तो बेटा कोई भी एथलीट है जब वो रनिंग करता है जब रनिंग के लिए वो अपना स्टांस लेता है तो बेटा वो हमेशा अपने फुट को स्लान्ट डायरेक्शन में रखता है तो बेटा कोई भी एथलीट है कोई भी अगर रेसर है वो अगर किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बेटा अगर वो रनिंग से पहले स्टांस लेगा तो बेटा स्टांस में वो अपने दोनों फुट को बिल्कुल स्लांट पोजीशन में रखेगा तो बेटा स्लांट में क्या होगा कि जब विसल आपकी जब विसल आपकी यूज होगी इवेंट को स्टार्ट करने के लिए तो बेटा उस टाइम पे वो ग्राउंड को रिवर्स डायरेक्शन में वो ग्राउंड को पीछे की तरफ ड्रैग करेगा ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ तो बेटा वो अगर ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा तो बेटा जो उसने एक्शन लगाया ग्राउंड पे वो एक्शन आपका एथलीट के ऊपर रिएक्शन की फॉर्म में आएगा तो बेटा अगर वो ग्राउंड को पीछे धकेलेगा तो ग्राउंड उसको आगे धकेलेगा इसका मीनिंग अगर वो ग्राउंड को पीछे ड्रैग करेगा वो अगर ग्राउंड को पीछे पुश करेगा तो ग्राउंड उसको आगे पुश करेगा तो बेटा उसको स्टार्टिंग में ही मोमेंटम मिलेगा कहाँ से ग्राउंड से तो उसको स्टार्टिंग में ही मोमेंटम मिलेगा ग्राउंड से तो बेटा ग्राउंड उसकी हेल्प करेगा वो पहले ग्राउंड को पुश करेगा फिर ग्राउंड उसको आगे पुश करेगा तो बेटा इनिशियल इनिशियल बैकअप उसको कहाँ से मिलेगा इनिशियल बैकअप उसको ग्राउंड से मिलेगा तो बेटा उसी टाइप से यहां पर अगर यहाँ पर अगर हॉर्स का जो फुट है वो अगर ग्राउंड को स्लंट डायरेक्शन में पीछे पुश करेगा तो बेटा ये जो हॉर्स के फुट ने ग्राउंड को पीछे पुश किया तो बेटा ये यहां पर एक्शन फोर्स बनाएगा ये यहां पर एक्शन फोर्स बनाएगा इसका मीनिंग जो हॉर्स का फुट है वो ग्राउंड पे जो फोर्स लगाएगा आगे चलने के लिए वो फोर्स बेटा सलांट डायरेक्शन में आएगा और वो फोर्स बेटा एक्शन फोर्स का काम करेगा अब आपको मालूम है नेचर में कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता अगर आप कहीं पर भी एक्शन लगाओगे तो आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा आप चेक करो बेटा अगर ये एक्शन है और ये रिएक्शन है तो यहां पर एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्सेस आपके पेयर में डेवलप होंगे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दोनों आपके पेयर में डेवलप होंगे और दोनों के लिए और दोनों के लिए ऑब्जेक्ट अलग अलग है बेटा एक्शन के लिए ऑब्जेक्ट क्या है अर्थ एक्शन किसके ऊपर लगा अर्थ के ऊपर लगा और बेटा रिएक्शन किसके ऊपर लगा रिएक्शन लगा हॉर्स के ऊपर तो जैसे एथलीट ने ग्राउंड को पीछे ड्रैग किया ठीक है रनिंग करने से पहले रनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रनिंग जैसे विसल आपकी यूज हुई उसी टाइम पे एथलीट ने ग्राउंड को पीछे धकेला पीछे ड्रैग किया तो ग्राउंड ने एथलीट को आगे पुश किया सो so रिएक्शन किसको मिला एथलीट को और एक्शन किसको मिला ग्राउंड को तो बेटा इस टाइप से अब यहाँ चेक करो इस रिएक्शन ने कितना एंगल बनाया ग्राउंड के साथ दैट इज थीटा अब चेक करो इस रिएक्शन का यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर बोलो कंपोनेंट कौन सा आएगा आर कॉस थीटा और बेटा ग्राउंड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आएगा आर साइन थीटा तो अब चेक करो आर साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा आर साइन थीटा आर साइन थीटा हॉर्स के वेट को बैलेंस करेगा ये आर साइन थीटा बिल्कुल किसके इक्वल एंड अपोजिट आएगा दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू वेट ऑफ हॉर्स तो बेटा हॉर्स का वेट किससे बैलेंस होगा दैट इज आर साइन थीटा इक्वल टू वेट ऑफ हॉर्स उसके बाद बेटा चेक करो आर थीटा अब चेक करो आर थीटा अब चेक करते हैं आर थीटा को अपोज कौन करेगा बेटा आर थीटा से अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा फ्रिक्शन आप चेक करो आर थीटा से अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन आपको मिलेगा अपोजिट टू आर को थीटा आप चेक करो यहां पर वेट ऑफ कार्ट किससे बैलेंस हुआ रिएक्शन फोर्स से बैलेंस हो गया यहां पर टी टू टी वन दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे क्योंकि टी वन मोर देन टी टू और टी टू मोर देन टी वन वाली कंडीशन सिस्टम को आगे लेके नहीं जाएगी और आपको मालूम है एक आइडेंटिकल बॉडी के ऊपर एक आइडेंटिकल स्ट्रिंग के ऊपर एक आइडेंटिकल रॉप के ऊपर सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दो फोर्स आपके इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो उन दोनों का सम क्या होगा उन दोनों का सम जीरो हो जाएगा तो बेटा मोशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्स यहां बचे हुए हैं दैट इज आर कॉस थीटा एंड एफ दैट इज आर कॉस थीटा एंड एफ तो आप चेक करो अगर r cos थीटा कैपेबल होगा दैट इज मोर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा तो बेटा सिस्टम आगे जाएगा हॉर्स और कार्ट आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो अगर r cos थीटा मोर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इसका मीनिंग ये रिएक्शन फोर्स सफिशिएंट होगा अगर ये रिएक्शन फोर्स सफिशिएंट होगा तो उस उसी केस में ये हॉर्स को पुल कर पाएगा उसी केस में ये हॉर्स कार्ड को पुल कर पाएगा तो बेटा एक बार प्रॉपर वे से डायरेक्शन मार्क कर दो ताकि बिल्कुल एक्शन आपका रिएक्शन से अपोजिट आ जाए तो बेटा आप चेक करो आर कोस थीटा मोर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो आर कोस थीटा माइनस एफ इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स आप चेक कर सकते हो आर कोस थीटा कहां पर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है फ्रिक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो यहां पर नेट फोर्स कैसे निकालोगे फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स नाउ इट इज इक्वल टू नेट फोर्स नाउ आर कोस थीटा माइनस एफ इक्वल टू नेट फोर्स नेट फोर्स का मीनिंग टोटल मास मास ऑफ हॉर्स प्लस मास ऑफ कार्ट इनटू acceleration now acceleration of system equal to r cos theta minus f upon mh plus mc so mh ka meaning mass of force or mc ka meaning mass of cart now this, of now this is acceleration of system now this is acceleration of system now this is acceleration of system so this is all about हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम दिस इज ऑल अबाउट हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम तो आप इसको सेपरेट करके भी डिस्कस कर सकते हो सेपरेट करके कैसे डिस्कस करोगे अगर आपको हॉर्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको इंडिविजुअल हॉर्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको कार्ट से हॉर्स को सेपरेटली डिस्कस करना है तो बेटा वो भी आप डिस्कस कर सकते हो आप चेक करो हॉर्स के ऊपर एक फोर्स तो आपका ये लग रहा है आर थीटा और एक लग रहा है टी टू तो बेटा अगर आर कोस थीटा टी टू से ज़्यादा होगा फ आर कॉस थीटा मोर देन t2 टू तो हॉर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तो बेटा उस केस में अगर आपको सिंपली हॉर्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आंसर क्या आएगा आर कॉस थीटा माइनस टी टू अपॉन मास ऑफ हॉर्स तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जो होगा वही सेम एक्सेलरेशन होगा इंडिविजुअल हॉर्स का क्योंकि हॉर्स आपका सिस्टम का ही पार्ट है तो बेटा जस्ट एक्सेलरेशन से सिस्टम चलेगा उसी एक्सेलरेशन से सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स भी मूव करेंगे तो बेटा अब अगर एक्सेलरेशन सिस्टम का ए है तो हॉर्स का भी इंडिविजुअल एक्सेलरेशन ए ही आएगा इसी टाइप से कार्ट का अगर आपको निकालना

जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है जो सिस्टम का एक्सेलरेशन सो सो दिस इज़ ऑल अबाउट हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम दिस इज ऑल अबाउट हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम